हेलो, मैं हूं डॉक्टर मेगन विल्कुरसन, एक पैशनेट एडवोकेट, साइंटिस्ट और मेंटोर। मेरे पास दो डॉक्टरेट की डिग्री हैं, एंटोमोलॉजी और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। मैंने 3 साल छोटे किसानों के साथ विकासशील देशों में बिताए हैं, जैसे लेबनान, बुर्किना फासो और घाना, ताकि कीटों से फसल को होने वाले फसल के नुकसान को रोका जा सके। अब अपने देश की राजधानी में बतौर चीफ साइंटिस्ट मैं एनवायरनमेंट से जुड़े रेगुलेशंस लिखती हूं, आउटरीच को फैसिलिटेट करती हूं और सरकार के स्पेशलिस्ट को ट्रेन करती हूं ताकि निवासियों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आउटरीच और एनवायरनमेंटल एडवोकेसी मेरे काम के दो सबसे प्रेरक हिस्से हैं। मैं स्कॉलर्स की, भविष्य की पीढ़ियों की मेंटरिंग के प्रति समर्पित हूं, ताकि ये सुनिश्चित हो कि वो हमारे कुदरती संसाधनों के रक्षक साबित हो सकें। मेरी लीडरशिप इस सिद्धांत पर टिकी है कि आप जो देखेंगे वही बनेंगे। मैं मिसाल बनकर लीड करने में यकीन रखती हूं, और मैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय हूँ जो अल्पसंख्यक समुदायों का रास्ता रोकती है। मैं एक सपोर्ट नेटवर्क बना रही हूँ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और सेल्फ कंपैशन और ऑथर की व्यवहार में लाती हूँ। मैं बाधाओं को पार करके अपने करियर में बतौर साइंटिस्ट आगे बढ़ना चाहती हूँ। कैटलिस्ट ऑफ चेंज के तौर पर महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग आवाजों को, अनुभवों को सुरखरू करना होता है और उन्हें फंडिंग के मौके मुहैया कराने होते हैं और मेंटोरशिप भी, ताकि उन्हें बढ़ावा मिले और आत्मस्वीकार्यता भी। उनके अनूठेपन और अनोखे गुणों के लिए साथ मिलकर हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, ताकि वो पॉजिटिव बदलाव ला सकें, इंक्लूसिव फ्यूचर बना सकें सभी के लिए। शुक्रिया। तो आइए कैटलिस्ट चेंज सीरीज में आज का एपिसोड देखते हैं। Welcome to the Catalyst of Change, Women Leaders. कैटलिस्ट ऑफ चेंज वीमन लीडर्स इन साइंस सेमिनार सीरीज में आपका स्वागत है। ये इंटरप्रिटेशन स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है। इंटरप्रिटेशन को चुनने के लिए आप अपनी पसंद की भाषा को ट्रांसलेशन बटन दबाकर चुन सकते हैं, जो स्क्रीन पर है। ये सेमिनार रिकॉर्ड किया जाएगा और सिमिट की वेबकास्ट पर उपलब्ध रहेगा। आप हमें लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हैशटैग इस्तेमाल करके प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई देगा, जो आपको स्लाइडो तक एक्सेस देगा, जिससे आप क्वेश्चंस और कमेंट्स पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं एक इंस्पायरिंग साइंटिस्ट और ऑथर, मेगन विल्कुरसन। प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्टर हैना विचुंगी से बातचीत होगी, जो रिसर्च एसोसिएट हैं नैरोबी में। अब मैं डॉक्टर ब्रेम गोवर्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो डायरेक्टर जनरल हैं सिमिट के। आप स्वागत करेंगे डॉक्टर मेगन का। डॉक्टर ब्रेम, शुक्रिया इजाबेल, एक बार फिर आपको मिलकर अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जहाँ भी दुनिया में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डॉक्टर मेगन कैटलिस्ट ऑफ चेंज हैं। आपने कहा कि आप जब तक जो देखेंगे नहीं वो बनेंगे नहीं। हमने 2023 में अपनी इस सीरीज को शुरू किया था, जिसमें हम विमेन लीडर्स जो साइंस के क्षेत्र में हैं, उनको आपके सामने पेश करते हैं। आप देखते हैं कि इन साइंटिस्ट्स में कितनी प्रतिभा है और कितनी संभावना है। हम हर क्षमता वाली महिला साइंटिस्ट्स को आपके सामने लाते हैं। हमारा मानना है कि लीडरशिप स्टाइल कई रूपों में हो सकती है। आज डॉक्टर विल्कुरसन हमारी 17वीं मेहमान हैं, और आप ऐसे और स्पीकर्स को भविष्य में देखेंगे। डॉक्टर विल्कुरसन चीफ साइंटिस्ट एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैं और एनवायरनमेंट इन द यूएस फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं। आप एंटोमोलॉजिस्ट हैं, आप सोशल और एनवायरनमेंटल असेसमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से भी जुड़ी हैं।
आपने यूथ फार्मर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया है ताकि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स प्रोवाइड को एवेल्युएट कर सकें, एनालिटिकल सपोर्ट मुहैया करा सकें. आपने ट्रिनिडाड, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, लेबनान और घाना जैसे देशों में काम किया है. आप छोटी जोत वाले किसानों के साथ करीब से काम करती हैं और डोनर एजेंसीज के साथ भी काम करती हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को मॉडर्नाइज किया जा सके. इंटरनेशनल कैपेसिटी के अलावा आप कोचिंग और मेंटोरशिप भी देती हैं ताकि स्कॉलर्स को कामयाबी मिल सके अपने एकेडमिक जर्नी में. आपने एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ए टू जी बग फैक्ट्स कलरिंग बुक भी लिखी है. ये अमेज़न पर उपलब्ध है और ये बहुत ही दिलचस्प कलरिंग बुक है. हम उम्मीद करते हैं कि मेगन के शानदार लीडरशिप एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखेंगे. हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. मेगन, आपका स्वागत है. हेलो डॉक्टर ब्रैम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुक्रिया. आपने आज से पहले जिन महिलाओं को इंटरव्यू किया है वो भी अपने अपने क्षेत्र में कमाल की लीडर्स रही हैं. मैं आज 6 टॉपिक डिस्कस करूंगी. मैं कैसे साइंटिस्ट बनी, मेरे सामने क्या चुनौतियां आई, क्या मैंने क्या संदेश, मैंने क्या चीजें सीखी. मैं अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में भी बताऊंगी. सबसे पहले मैं दर्शकों, श्रोताओं और सिमिट का स्वागत करती हूं. मैं शुरू से ही काफी उत्सुक व्यक्ति रही हूं. मेरी एक टीचर थी जो बहुत ही कमाल की टीचर थी. हमारी उन टीचर ने मेरे लिए साइंस को बहुत एक्सेसिबल बनाया. हम हॉट डॉग बनाते थे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके. उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट्स को एक मजेदार चीज बना दिया. हमारे टीचर ने मेरे भविष्य को अटेनेबल बनाने में मदद की कि मैं जो सपने देखती हूँ उन्हें हासिल कर सकती हूँ. मैंने साउथ अफ्रीका में स्टडी की. वहाँ मैंने इंटरनेशनल एग्रीकल्चर को स्टडी किया. मैंने वहाँ डिसर्टेशन रिसर्च की. 2 साल मेरे घाना में बीते. दुनिया की 70% कोको घाना से आती है, पर यहाँ किसान जो थे कीड़ों की वजह से अपनी 70% फसल को गंवा देते थे. बस वहीं से मैंने साइंटिस्ट बनने के अपने फैसले को दृढ़ता से लिया. मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद मैं रही हूँ. आज जूम सेटिंग के दौरान आप सब ने मेरा बड़ा साथ दिया. मुझे चुनौतियां पसंद हैं. मेरे सामने जो 4 सबसे बड़ी बाधाएं रही हैं वो हैं खुद पर शक, क्या मैं इतनी अच्छी हूं कि जो सोचती हूं वो कर सकूं. दूसरी चीज है आत्मशंका. जब मुझे इस प्रोग्राम का ऑफर मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ. तीसरी बाधा रही. हम लोग ये सोचते हैं कि कल के बारे में सोचेंगे, लेकिन कल अनिश्चित होता है.
only comparing myself to who I was, not to others and what they've accomplished. That's been a huge thing of mine too. So, and in a field with agriculture or with science, it's a very male, pale, stale, frail. Agricultural science ka jo kshetr hai, wo male dominated hai. Isme purushon ki adhikta rehti hai. कई बार मुझे इसके लिए अपने से ही जूझना पड़ा. तो मुझे लोगों को ये दिखाना पड़ता था कि मेरे पास डिग्री है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ. लोग चाहते हैं कि आप एक अलग तरीके से, खास तरीके से व्यवहार करें, अलग तरीके से व्यवहार करें. तो मेरे लिए ये एक बड़ी चुनौती रही है, पर मैंने इसका सामना किया है. मैंने काफी सबक सीखे हैं. सबसे बड़ा सबक रहा, वैलिडेशन एक आउटसाइड जॉब नहीं है. कोई दूसरा आदमी आपको वैलिडेट नहीं कर सकता है. आपको आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी. तो मुझे भी अपने आप को वैलिडेट करना पड़ा. एक बड़ी चीज है इम्पैक्ट, यानी प्रभाव. और इम्पैक्ट जो है एक सफलता का एक बड़ा जूस है. हमें स्कॉलर्स की भविष्य की पीढ़ी को बताना होगा कि उन्हें क्या करना है, उनकी क्या दिशा है. उन चीजों को पहचानना होगा कि जिनकी मुझे जरूरत है. मैंने ये सबक सीखे हैं. इसके अलावा अपने आपके आसपास सही लोग होने चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है. आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को और निखार सकें. मेरे पास लोगों की एक टीम है और इस टीम में सबसे पहले आती है मेरी माँ. वो बहुत ही सपोर्टिव है और उन्होंने मुझे ऐसी चीजें सिखाई हैं जिनका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती. उन्होंने मुझे बिना शर्त प्यार किया. वो हमेशा मेरी मदद के लिए मेरे आसपास रही हैं. इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव कोच भी थे. अब मेरे पास एक कमाल की एग्जीक्यूटिव कोच है, एमिली. वो एक हाथ में आईना रखती हैं और दूसरे हाथ में रिसोर्सेज. वो लगातार कोशिश करती रहती हैं कि मैं कैसे अपने आप को सुधार सकती हूँ, बेहतर बना सकती हूँ. वो हमेशा एक चीयर लीडर का रोल निभाती हैं और चैंपियन का भी. मेरी एजेंसी के डायरेक्टर मिस्टर जैक्सन लीडरशिप की एक कमाल की मिसाल हैं. वो मुझे मौकों के बारे में बताते हैं और मुझे मेरी सीमाओं से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं. मैं जब भी परेशान होती हूँ, वो हमेशा मेरी मदद के लिए होते हैं. और जब मैं बाधाओं का सामना करती हूँ, तो वो उन्हें कम से कम करने की कोशिश करते हैं. और ये भी जरूरी है कि आपके ऐसे मेंटोर्स हों जिनको आप ना जानते हो. ऐसे पहले मेंटोर, ये फूड सिक्योरिटी स्पेस में थी. मैं उनसे कभी नहीं मिली, पर पिछले 10 साल से मैं इस महिला से लगातार बात करती रही हूँ, उनकी टॉक सुनती रहती हूँ. उन्हें देखने वाले लाखों लोग हैं और वो इस क्षेत्र में कमाल का काम कर रही हैं. वो जहाँ भी जाती हैं, उस जगह का नक्शा ही बदल जाता है. मेरी माँ, मेरे एग्जीक्यूटिव कोच, मेरे डायरेक्टर और ये तमाम लोग मेरे मेंटोर रहे हैं और इन्होंने मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर डाला है. इनके बिना मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. मेरी माँ लगातार मुझे मजबूत बनाती रही हैं. मेरे डायरेक्टर मेरे लीडर रहे हैं और मेरे कजन्स ने मुझे बताया कि मैं ज्यादा और बड़े सपने देख सकती हूँ.
तो इन अनुभवों ने मेरे करियर को आकार दिया है. पहली बात है वापस देना. कुछ लोग अपनी तारीफों से खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी समाज पर प्रभाव डालते हैं तो वो ज्यादा बड़ी प्रशंसा है. मुझे यूथ के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये कलरिंग बुक बनाई. बहुत से साइंटिस्ट लैब में काम करने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन आपको इस साइंस को इस तरीके से समाज तक पहुंचाना चाहिए कि लोग उसे इस्तेमाल कर सकें. तो मैं आर्ट को बहुत पसंद करती हूं, तो मैंने इस कलरिंग बुक को बनाया. ये अमेज़न पर उपलब्ध है. इसकी कॉपीज जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बिक चुकी हैं और मुझे वहां से लगातार तारीफें मिलती रहती हैं. जब मिस्टर स्टीवन ने मुझे चिट्ठियां भेजी थी, तो जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ. तो मैं जब इन एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को के लेटर्स पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि मैं एंटोमोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. आप अगर किसी क्षेत्र में, अपने पसंद के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं और आप डर रहे हैं, लेकिन डरिए मत, आगे बढ़िए. अब मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, जबकि मेरी परवरिश मॉर्चुरी में हुई थी. मुझे लगता है कि शायद 15 मिनट हो गए हैं, पर मैं लगातार बोलती रह सकती हूँ. मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे आसपास सही लोग थे और उनका असर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता रहा. मेरा ये करियर इतना अच्छा इसलिए रहा क्योंकि मैंने ये अलग रास्ता चुना. मुझे जो काम पसंद है मैं वो करती हूँ. मैं अपनी महारत का फायदा उठाकर दूसरों को के साथ इसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ. क्या आप कुछ और बताना चाहेंगी? आप ऊर्जा से भरी हुई हैं. अगर आप कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, आपके पास समय है. शुक्रिया. मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ. जब मैं कॉलेज में थी तो मैं एक OBGYN बनना चाहती थी क्योंकि मुझे बच्चे पसंद थे. पर मैंने एंटोमोलॉजी कोर्स में दाखिला लिया. मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन हो गया था. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसी से मुझे सफलता मिली. और इसी के आधार पर मैंने अपनी PhD की. मैंने कई अलग अलग देशों में अपनी पढ़ाई की. इससे मुझे बहुत ही कमाल के अनुभव हुए. मुझे पहला जो स्मॉल फार्मर एक्सपीरियंस हुआ था वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. Farmers,
I was able to put my degree to use. So using the things that जब मैं छोटे किसानों से मिली तब मैं अपनी इस डिग्री का फायदा उठा पाई, उसका उपयोग कर पाई। घाना में किसानों की आमदनी बहुत ही कम है और इसकी वजह यह है कि उनकी फसलों को कीड़ा लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ज्ञान का फायदा इन किसानों को दूंगी। मैंने अपने आप को इसी के प्रति समर्पित किया हुआ है। साथ ही हमें टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने एक कम्युनिटी वेब बनाया है। मैं स्कॉलरशिप्स को शेयर करती हूँ, इसके जरिए मैंने उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी को दूर करने के लिए भी कोशिशें की हैं। मुझे इंसेक्ट्स पसंद है, मुझे एनवायरनमेंट पसंद है, मुझे खास तौर पर किसानों के साथ काम करना पसंद है। बच्चों को लगता होगा कि उनका खाना ग्रोसरी स्टोर से आता है, लेकिन असल में ये खाना किसानों के जरिए आता है। इन बहुत सारे किसानों के जरिए ही हम अपने फलों और सब्जियों को चुन पाते हैं कि हम उनमें से किसे चुने। और ऐसे में कीटों की अहमियत भी बहुत बढ़ जाती है। किसी मूवमेंट का हिस्सा बनना एक अलग बात है, लेकिन जब आप वाकई जमीन पर उतरते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, मेंटोरशिप, लोगों के मेंटोर बनते हैं, तो आप वाकई माहौल को बदल सकते हैं। और इन सब चीजों की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेगन, आपने अपने सफर के बारे में बताया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हैना गुशुंगी। मैं आपको इंटरव्यू करने की एक वजह यह थी कि आपको इंसेक्ट्स पढ़ने का जुनून है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही आपने स्मॉल स्केल फार्मर्स के साथ भी काम किया है जो विकासशील देशों से हैं। आप यंग लोगों को कैसे मेंटोर कर रहे हैं, ये एक बहुत प्रेरक चीज है। आपने सोशल मीडिया पर भी अपने ज्ञान को शेयर किया है। आपको इंटरव्यू करना मेरे लिए गर्व की बात है। पहला सवाल मेरा है, आप साइंस से जुड़ी महिलाओं को क्या गाइडेंस देंगी ताकि वो वोकल हो सकें और नई पीढ़ी कैसे इंस्पायर हो, और साइंस से जुड़े स्टीरियोशिप को के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। सवाल दोबारा पढ़ें। ये था महिलाओं को गाइडेंस देने से जुड़ा हुआ, और नई पीढ़ी को कैसे इंस्पायर किया जाए। मुझे जिन चीजों का जुनून है, मैं उनके बारे में खुलकर बात करती हूँ। आपको अगर कोई भी सिखाने वाला अनुभव होता है तो वो किसी नए व्यक्ति से मिलने से होता है। आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हों। जहाँ तक महिलाओं को गाइडेंस का सवाल है, मैं कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत रहें। पहले अपना जुनून ढूंढें और ऐसी जगहों में जाएं जहाँ पर जो आपके लिए वेलकम हो।
आपका हौसला तोड़ने वाले लोगों की बातें ना सुने। अपने आप को चुनौती दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हासिल करना चाहती हूँ उसे कोई मुझसे छीन ना सके, मेरा रास्ता रोक ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। How women face a feeling inadequate in the field of science that is dominated by men. साइंस के क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा है, तो इस समस्या का कैसे सामना किया जाए? As a woman in a leadership position, working as a chief scientist, you've traveled to many countries. एक चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हुए आपने कई देशों में सफर किया है, तो क्या आपको महिलाओं का अनुपात सही मिलता है? और ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साइंस में क्या कदम उठाने चाहिए? पहली बात तो यह है एडुकेशन और दूसरी है एक्शन। मुझे हाल ही में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डायरेक्टर बोर्ड में चुना गया। ये जरूरी है कि रिसोर्सेस किस तरह लोगों में बटे हुए हैं उस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा आपको कमिटीज को, बोर्ड्स को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया था ताकि महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं अपने जैसी अकेली और ब्लैक महिला थी, लेकिन इस बात ने मेरा हौसला, लेकिन मैंने अपना हौसला छोड़ा नहीं। आप नहीं जानते हैं कि अपनी हिम्मत के बल पर आप किस किस पर प्रभाव डाल सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकले हैं, पूरी दुनिया को बदलने के बजाय अपनी दुनिया बदलने का विचार ज्यादा प्रभावशाली होता है। लीडरशिप पोजीशन में आपको कौन सी प्राइमरी चुनौतियां झेलनी पड़ी? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक डेटा ड्रिवन साइंटिस्ट हूँ। वॉशिंगटन डीसी का क्लाइमेट बहुत पॉलिटिकल है, काफी सारे फैसले जो होते हैं वो राजनीति के आधार पर लिए जाते हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए काम करने का बड़ा गर्व है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति की वजह से मुमकिन नहीं हो पाती हैं। तो मैं काफी सर्वे करती हूं, मैं काफी कम्युनिटी मीटिंग करती हूं। लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो नई चीजें लाना चाहते हैं वो अमल में आ ही जाएं। इन चीजों से जुड़े हुए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो एनवायरनमेंट के पैरोकार होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स के विरोधी, तो कुछ उसके समर्थक होते हैं। तो आपको एक बड़ा ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है, संतुलन के पर्यावरण के संतुलन के प्रति लोगों के हितों को देखते हुए। तो इन चीजों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। Wherever you're traveling to
जब भी आप दूसरे देशों में सफर करती हैं, क्योंकि आपके लंबे टाइम के असाइनमेंट होते हैं, तो आप इन सब के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं? आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो आप अलग अलग कल्चर्स के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं? पहली बात यह है कि मैं जहां भी जाती हूं, वहां की कल्चर की इज्जत करती हूं, भाषा का सम्मान करती हूं। मैं किसानों के साथ काम करती हैं, उनकी कई पीढ़ियों के साथ मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल स्पेसेस में जाती हूँ और एक्सपर्ट के तौर पर बात करनी होती है, तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं एक फैसिलिटी में काम कर रही हूँ, मैं कोई बात कहती हूँ तो उसे नहीं माना जाता, जबकि मेरे पास जो पुरुष बैठा होता है उसकी बात को मान लिया जाता है, अपना लिया जाता है। मैंने विदेश में जो सबसे लंबा समय बिताया है वो है 3 साल अफ्रीका में। मैं 3 साल तक नॉर्मल बोरलॉग से जुड़ी रिसर्च के सिलसिले में 3 साल बाहर रही और मुझे बड़ी परेशानी हुई। मुझे उनके हिसाब से कपड़े पहनने पड़े, उन्हीं के हिसाब से चर्च जाना पड़ा, ये सब बहुत मुश्किल होता है। मैं अफ्रीकन एग्रीकल्चर के प्रति बहुत सम्मान रखती हूँ, क्यों मुझे वहाँ काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में वाईफाई होता है और बहुत सी लग्जरीज होती हैं, लेकिन जब आप खेत में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो ये सुविधाएं नहीं होती। इससे मुझे उन लोगों के प्रति मन में बड़ा सम्मान जागा जो इन सुविधाओं के अभाव में ये सब करते हैं। जब मुझे अंदाजा हुआ कि अफ्रीका में किसान कितनी मेहनत से काम करते हैं, तो उनके प्रति मन में सम्मान जागा। लेकिन यात्रा करके आप बहुत कुछ जान पाते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसी बहुत सी एजेंसीज होती हैं जहां आप बतौर वॉलंटियर साइन अप कर सकते हैं। घाना और वेस्ट अफ्रीका में रहने का मुझे बड़ा फायदा हुआ, वो सबसे अच्छा समय था। आपने बताया कि आपको कई मेंटोर्स से प्रेरणा मिली है और आपको अपनी माँ से काफी सपोर्ट मिली। आप साइंस में मौजूद विमेन लीडर्स को क्या सलाह देंगी कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को, संतुलन को कैसे बना कर रखें, क्योंकि रिसर्च का क्षेत्र बहुत कुछ चाहता है। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप अपने संगठन के लीडर्स को देख सकते हैं, उससे आपको काफी मदद मिलती है। अच्छा ऑफिस का होना बहुत जरूरी है, अपने पर्पस को, उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। मेरा जो ऑफिस है उसमें बहुत ही अच्छा माहौल है। I
जब मैंने एजेंसी में शुरुआत की थी तो मैं सब काम खुद ही करना चाहती थी, मैंने सीखा कि एक मजबूत टीम कैसे बनाई जाए, कैसे काम को उसके साथ बांटा जाए। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी होता है। And finding opportunities that allow you to practice your passion, giving back not only pours into the other person, but it naturally fills you up as well. So going to therapy, being able to release some of the baggage and trauma from working, giving back, volunteerism, mentorship is huge. So I found volunteer बनकर, mentor बनकर आप समाज के प्रति बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के की चिट्ठियां पढ़ती हूं, जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल यह है, आप सिमिट को क्या सलाह देंगी ताकि विमेन लीडर्स इन साइंस ग्रो कर सकें? रिपोर्टेशन बहुत जरूरी है, मेंटरशिप खास तौर पे अगली पीढ़ी को की मेंटरिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अगली पीढ़ी के स्कॉलर्स को निखारना, तराशना बहुत जरूरी है, ताकि जब लोग रिटायर हों तो उनके साथ उनका ज्ञान उनके साथ न चला जाए। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है। अच्छी पॉलिसीज का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे भी विकास होता है। लोगों का अर्थ उच्च शिक्षा के मामले में लोगों का आर्थिक वजन कम करना बहुत जरूरी है। सिमिट बहुत कुछ ठीक कर रहा है, मैंने सिमिट की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और यहाँ विमेन लीडर्स को इंस्पायर किया जा रहा है, विमेन लीडर्स को अपनी स्टोरी शेयर करने को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। Thank you so much for बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनुभव हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेगन, आपका बहुत शुक्रिया, हैना का भी शुक्रिया। अब हम ऑडियंस के सवाल आपके सामने लाएंगे। आप अपना हाथ उठा सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं। आप स्लाइडो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं, QR कोड आप स्क्रीन पर है। हमें कई सवाल मिले हैं। पहला सवाल है, आपके जोश और ईमानदारी के लिए शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आना चाहिए? ऐसी कई चीजें हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए। बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारी छिपा कर रखी जाती है, उसे शेयर नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लोगों के साथ में शेयर किया जाना चाहिए। ये रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, और जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ये उन तक पहुंचती नहीं, इसलिए साइंस को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, वो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओलिविया का सवाल है। ओलिविया, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉ
गुड इवनिंग हियर फ्रॉम गुड इवनिंग नैरोबी से, आपको नमस्कार। मेरा एक सवाल है साइंस कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के बारे में। आप साइंस कम्युनिकेशन को कैसे प्रमोट करती हैं ताकि इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके और एंटोमोलॉजी में करियर कैसे चुने जाएं? यंग साइंटिस्ट ऐसा कैसे करें? आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है शोइंग अप। अपने खुद के चैंपियन बनिए और उस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करिए जिससे आप जुड़े हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। साइंस डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, उस तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। आपको इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो साइंस को दूसरों से जोड़ने के तरीके ढूंढने चाहिए। What did I need 3 years ago? So I try to address the things that I needed and deliver those things. But science should be fun. So it's science एक fun होनी चाहिए। Going back to my third point, making science fun and showing people that this is लोगों को दिखाइए कि साइंस ऐसी है। मैं एक साइंटिस्ट हूं और इस क्षेत्र में आपके लिए भी जगह है। कीड़े तो हर कॉन्टिनेंट पे होते हैं, तो अगर एंटोमोलॉजी में आपको करियर बनाना है, जिसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो कीड़ों के जरिए पैदा होती हैं और कीड़े ही उन्हें हल भी कर सकते हैं। ये बीमारियों को काबू में रखते हैं। Want to join an entomological organization like Entomological Society of America and other boards, they offer certifications. So अगर आप entomology से जुड़े संगठनों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए इस क्षेत्र में काफी जगह है। आप किसी चीज को वैल्यू दीजिए और सीखिए पूरे विश्वास के साथ कि कैसे दूसरों के साथ इस बारे में कम्युनिकेट किया जाए। शुक्रिया। अब मैं एक और सवाल पूछूंगी जो स्लाइडों से आया है। जब आपने अपना करियर शुरू किया, आप कैसे रोज कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, जब मैंने कॉलेज शुरू किया, तो मैंने ये सोचा था कि जब तक मुझे सबसे बड़ी डिग्री नहीं मिल जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो मुझे 11 साल लगे, तो मैंने मास्टर्स की डिग्री ली एंटोमोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंसेज में डिग्री ली, एंटोमोलॉजी में पीएचडी की और इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी। मैं सरकार के लिए काम करना चाहती थी। मैं 3 साल से ये काम कर रही हूँ, तो करियर तो अच्छा है, लेकिन मैं उतना प्रभाव नहीं डाल पाई हूँ। और प्रभाव जो है वो बेशकीमती चीज है। बजाय इसके कि आप चीजों को लेकर तानाकशी करें, बेहतर होगा कि आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। And build community and show, you know, future scholars that you belong and this field needs you is something that's important to me. Great.
Also, we have here Francisca Mutetti. Francisca, का भी सवाल है. क्या आप अपना माइक और कैमरा ऑन करेंगी? Thank you. शुक्रिया. Dr. Megan. Dr. Megan. My question is, मेरा सवाल है कि आपने करियर जर्नी के दौरान आपको अपने बतौर साइंटिस्ट आपको अपनी योग्यता पर शक हुआ, तो आपने इस भाव पर कैसे काबू पाया? ये तो रोज ही होता रहता है. जब मुझे इस आज के बारे में ईमेल आया था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था. So nothing happens by coincidence. हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की सफलता को देखकर थोड़ा परेशान हो जाएं, लेकिन आप ये सोचें कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो आपके लिए है और आपको उसमें चमकना है. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी जगह पर अकेली महिला या ब्लैक महिला होती हूँ. ऐसे में आपको निडर होना होता है. आपको अपने आप में विश्वास रखना होता है. आपको ये सोचना होता है कि ईश्वर आपके अंदर ईश्वर है. मेरा परिवार, मेरी कम्युनिटी, मेरे मेंटर्स, इन सब की बड़ी अहमियत है. लेकिन मैं खुद पर अविश्वास नहीं कर सकती. मैं डर के साथ रह सकती हूँ लेकिन अफसोस के साथ नहीं. मैं ये नहीं सोचना चाहती कि अगर मैं ऐसा करती वैसा करती तो क्या होता. मैं लगातार खुद से कहती रहती हूँ कि कोई ना कोई आप पर नजर रखे हुए है. तो मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करती हूँ. लेकिन मैं हमेशा अपने अंदर की शंका से जूझती रहती हूँ. आज सुबह इस मीटिंग को लेकर भी मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हो रही थी. लेकिन जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ हल हो जाता है. आप अपनी ईगो छोड़ें. Contribute to a space where I'm welcome is something that I try to do every single day. But thank you so much for your question. I appreciate that. आपके इस सवाल के लिए बहुत शुक्रिया. ये बहुत अच्छा सवाल था. शुक्रिया. शुक्रिया फ्रांसिस्का. चैट बॉक्स में एक सवाल आया है नटालिया से. इस शानदार बातचीत के लिए शुक्रिया. आपके विचार बेशकीमती थे. आप साइंस कम्युनिकेशन और इसमें हमारे रोल के अहमियत के बारे में बताइए. आपके कमेंट्स के लिए शुक्रिया. मैं अब एक और सवाल पढ़ती हूं जो स्लाइडों से आया है. आपके हिसाब से 2024 में एक विमेन साइंटिस्ट होना क्या अहमियत रखता है? विमेन साइंटिस्ट किस तरह साइंस को बदलेंगी? मैं इस बारे में बायस्ड हूं क्योंकि मैं एक महिला हूं. महिलाएं कई क्षेत्रों में छिपी हुई सी रहती हैं. हमारे लिए इन जगहों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है. तो कई जगह हमें अन्याय का सामना करना पड़ता है. कई बार संसाधनों की वजह से तो कई बार बाधाओं की वजह से हम अपनी क्षमता को हासिल नहीं कर पाते. महिलाएं समाज के प्रति बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं. मुझे बतौर महिला बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है. हम कॉन्वर्सेशन के प्रति बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
अगर आपके सामने कोई रास्ता ना भी हो तो भी आपको बतौर महिला एक रास्ता बनाना होता है। इसलिए आपको बिना डरे अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो आपको निडरता से अपने सपनों को पाना होता है, खुद को बताना होता है कि मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो और दूसरी महिलाएं भी आगे आ पाएंगी। तो मैं लगातार अपने रिसोर्सेज को शेयर करती रहती हूँ, कोलैबोरेट करती रहती हूँ, महिलाओं को कहती रहती हूँ कि वो अवसरों को छोड़े नहीं। मैं महिलाओं को बिजनेस में सपोर्ट करती रहती हूँ। आपको महिलाओं को इंस्पायर करना होता है कि आप बिजनेस के क्षेत्र में आइए। इस सलाह के लिए शुक्रिया। आप इंस्टीट्यूशंस को क्या सलाह देना चाहेंगी? जिससे विमेन लीडर्स को एम्पावर किया जा सके, सशक्त किया जा सके। लोगों को जो चाहिए आप उन्हें दें। आप इन्फॉर्मेशन जुटाएं, आप महिलाओं के लिए एक सेफ स्पेस बनाएं। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपने पास तक समेट कर नहीं रखें बल्कि उसका इस्तेमाल करें। सिमेंट पहले ही सही रास्ते पर बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। दूसरे संगठनों के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है जिनके लक्ष्य ऐसे ही हों, उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, उनके बर्डन को कम किया जाए। पर अगर इन कदमों पर और ध्यान दिया जाएगा तो महिलाओं के रास्ते की बाधाएं दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको लगता है कि ये दबाव बढ़ रहा है? आप इस दबाव का कैसे सामना करती हैं? मुझे नहीं लगता कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पर मैं मजबूत होती जा रही हूँ। ऐसे कई दबावों को कम किया जा सकता है कम्युनिटी के जरिए, लेकिन दबाव तो फिर भी रहेंगे। आपको एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज, सब जगह आपको दबाव तो झेलने पड़ेंगे, लेकिन इन दबावों से आप मजबूत हो सकते हैं। दबाव तो बढ़ते जाएंगे लेकिन आप और मजबूत होते जाएंगे। आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना होगा। बाउंड्रीज को बनाना, मेंटोर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगातार जुटे रहें। Organization, they'll replace you, and so it's just being able to manage those things and being in control of your mentality is huge. Mental health. आप ऐसे दबावों का सामना करें क्योंकि अगर आप किसी संगठन को छोड़ेंगे इन दबावों के कारण तो कोई और आपकी जगह ले लेगा, लेकिन दबाव तो नहीं घटेंगे।
तो प्रेशर तो बढ़ते गए हैं, लेकिन मैं ज्यादा मजबूत हुई हूँ। इन सब सलाहों के लिए आपका शुक्रिया। आपका पसंदीदा बुक कौन सी है और क्यों? फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ जर्नी विद द थाउजेंड सन्स, पर मुझे एक और किताब पसंद है, इसका नाम है The Daily Laws. Anything by Robert Greene is good. I'm a huge fan of Robert Greene. I love inspirational. ये रॉबर्ट ग्रीन की किताब है और मुझे उनकी किताबें बहुत पसंद है। इसका नाम है फोर एग्रीमेंट्स। मुझे ये किताब बहुत पसंद है। मुझे पावर ऑफ नाउ अच्छी लगती है, डेली लॉज भी अच्छी लगती है। इसे पढ़कर आप एक नए नजरिए से सोच सकते हैं, तो ये मुझे पसंद है। बहुत बढ़िया। क्या आप कोई आखिरी एडवाइस देना चाहेंगी ताकि हम ये सेशन क्लोज कर सकें? मेरी आखिरी सलाह ये होगी, नहीं एक बहुत सशक्त शब्द है और हम अक्सर अपने आप से ना कहते हैं। अगर आप किसी चीज से डरे हुए भी हों तो भी आप हिम्मत करते हुए उस काम को करें। Get their masters and get their PhDs, and they wouldn't have had it, you know, had I not had just been consistent and took procrastination off the table. And we're in a time where nothing is impossible. हम एक ऐसे दौर में हैं जब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आप एक बेहतर माउस ट्रैप बनाएंगे, तो उसका फायदा ही होगा। हमेशा अपने आप से हाँ कहिए। मेरे पास एक इंसेक्ट कलरिंग बुक है, आज ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई है। खुद से ना कहना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमेशा खुद से हाँ कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे डायरेक्टर जनरल की तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें बहुत ही प्रेरक थीं, हिम्मत बढ़ाने वाली थीं, जोशीली थीं। आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमसे शेयर किया और अपने काम से जुड़े अनुभव के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके समय के लिए भी धन्यवाद। हम सभी ऑडियंस का भी शुक्रिया करना चाहेंगे। अलग अलग पहचानें जैसे मेरे खून में समाई हुई हैं। मैं एक टर्किश पिता और एक अमेरिकन माँ की संतान हूँ। मेरी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ क्रिसमस और ईद एक ही जोश से मनाई जाती थी। मैं शहर में पली थी तो कृषि के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर मैंने नॉर्मन बॉरलॉग के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपने मिशन पर अपनी जिंदगी लगा दी। उनके कुछ आखिरी शब्द थे, तरक्की किसान तक पहुंचे। अब जरा ये सोचिए, किसान के बारे में हम जो सोचते हैं और उनकी जिंदगी जिस तरह की होनी चाहिए, बस यही बात डेवलपमेंट एजेंडा को शक्ल दे रही है। और अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, क्या हम ये बात सभी किसानों तक पहुंचा रहे हैं? जेंडर ये तय करता है कि हर किसान को पहुंच का अधिकार हो, जमीन, श्रम, इनपुट्स, इंफॉर्मेशन, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, मशीनरी और भी बहुत कुछ। महिलाओं और लड़कियों को समाज में बाधाएं झेलनी पड़ती हैं खेतों के संभालने के सिलसिले में, फिर भी उन्हें ऐसी किस्में उगानी पड़ती हैं जिनके विकास पर उनका कोई काबू नहीं होता।
घर गांव बाजार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। हर फैसला हर एक्शन जो लोगों की जिंदगी में होता है वो एक सामाजिक संदर्भ में होता है। जेंडर इस सब का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। मैंने ऐसी ही बातें बार बार सुनी जिनसे मेरे अपने बदलाव की शुरुआत हुई और सवाल उठा, हम जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को कैसे अलग थलग कर सकते हैं किसानों के जीवन से। हम बेशक वैरायटीज पैदा करते रहें जिन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाता था, गरीबी दूर करने के लक्ष्यों को मिस करते रहें अगर जेनेटिक फायदे इक्विटी फायदों में नहीं बदलते महिलाओं और लड़कियों के लिए। जेंडर इन्फ्लुएंसेस का किसानों के जीवन पर असर पड़ता है, पर यह असर हम पर भी पड़ता है। अगर हमारे अपने संस्थानों और प्रोग्राम्स में हम महिलाओं के लिए बाधाएं खड़ी करते रहते हैं तो हम छोटे महिला किसानों की बाधाओं को कैसे दूर करेंगे? डॉक्टर बोलो का संदेश है प्रगति किसानों तक पहुंचाओ। हमारी आंखें खोलने वाला था, पर यह बात साफ होती जा रही है कि उनकी परिकल्पना को सच करने के लिए हमें अनसुनी आवाजों को सुनना होगा। महिलाओं की भी आवाज होती है, उसे सुनने के लिए हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट और सोशल साइंसेज के बीच की खाई भरनी होगी, विलेज बेंच और लैब बेंच का फासला घटाना होगा। हमें अपने अंदर भी झांकना होगा, अपनी सोच पर सवाल उठाने होंगे और जेंडर से जुड़ी हमारी अंदरूनी नॉर्म्स को पहचानना होगा जिसका असर हमारे काम पर और जिन पॉपुलेशंस में हम सर्व करते हैं उन पर पड़ता है। हमारे अगले सेमिनार कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज का हिस्सा बनिए 23 अप्रैल मंगलवार 2024 को।